किसी ने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अपने रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और रिश्ते में उन्हें लगता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रभावित हो रही है। कुल मिला के उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, वो एक तरीके से मुझे लगा कि वो अहंकार की तरह है। वो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि उनका जो ईगो है वो इतना ज़्यादा है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनके अंदर आता है वो। तो एक तरीके से जानबूझ के अपने रिश्ते को ख़राब करना या अनजाने में भी अपने रिश्तों को ख़राब करना, और वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर, कितना सही है। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में अगर मैं देखूं आधुनिक संदर्भों में, तो हमने अपने आप को जीना इतना ज़रूरी कर लिया है कि सब कुछ हमें चाहिए ज़िंदगी में, जो भी करना है त्याग हमारी तरफ से कुछ नहीं होना, यानी कि कहीं ना कहीं भोग प्रधान हमारी लाइफ होती चली जा रही है। तो रिश्ते में, और हम क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर बहुत कुछ इंजॉय करना चाहते हैं। हम पहले ही ये तय कर लेते हैं कि हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना है रिश्ते को बनाने के लिए। जिसको भी करना है, जो त्याग है, जो समर्पण है, जो बलिदान है, वो सामने वाला करेगा, जो भी हमारे साथ होगा। तो जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा, मेरा उनसे यही एक जवाब था उनके लिए कि आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं, क्या आप त्याग करना चाहते हैं, क्या आप वाकई अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ समर्पण करेंगे, कुछ छोड़ेंगे अपनी तरफ से। उनका कहना था, ये तो मुझे पता भी नहीं है कि रिश्ते में वाकई कुछ छोड़ना भी पड़ता है, और क्या छोड़ना है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ वाला जो भी साथी है वो मेरे साथ मेरे ईगो को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। तो बेसिकली उनके मुँह से ईगो शब्द निकला, लेकिन हालांकि उन्होंने बदला इसको सेल्फ रिस्पेक्ट से। और मुझे लगता है कि ये हमें एक बार गहराई से समझना चाहिए, एक आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जिस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं हम उसे ही तो नहीं हर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं रिश्ते के साथ। वास्तव में हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच जो डिफिनेशन है वो हमें समझ में नहीं आती बात। और कई बार क्या होता है, जब आप रिश्ते में आप ये सोचने लगते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, तो कई बार आप इससे बच जाते हैं ग्लानि भाव से, एक अपराध बोध से, यानी कि इस चीज़ को आप स्वीकार ही नहीं करते कि गलती आपसे भी हो रही है। और वास्तव में ज़्यादातर रिश्ते खराब होते हैं आपकी अपनी गलतियों की वजह से, और वो सिर्फ यही है कि आपका ईगो इतना सूक्ष्म है कि कब आपके पास, आपके मन में घुस के आपको गलत तरह के विचार देने लगता है, ताकि आप और उससे आप संभल ही नहीं पाए। तो अभी ये बात साफ होनी चाहिए कि हमें पहचानना है वास्तव में इन दोनों के बीच फर्क को, और रिश्तों में बिना समर्पण के, बिना त्याग के मजबूती नहीं लाई जा सकती। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।